खबर शिवपुरी से है, जहां आजाद समाज पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट में आज सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से शिवपुरी जिले की तमाम जन समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शिवपुरी की तमाम जन समस्याओं को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से कई समस्याएं प्रस्तुत की गई है, और निराकरण नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा, ये भी कहा गया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सचिव सोनी, मैं चंबल संभाग अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी से। क्या कुछ मांग लेकर आप लोग आए हैं? हमारी जिला शिवपुरी की काफी युवा साथियों की जो मांग है वो इस तरीके से है, जैसे हमारे छात्र स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो समय से छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही, खाने का राशन व्यवस्था वो भी नहीं दिया जा रहा, रसोई का सामान वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा, और किसानों को भी समय पर बिजली नहीं मिल पा रही। अगर शासन बिजली है, खाद है, हमारे किसान भाइयों की काफी समस्या और गरीबों पर काफी अत्याचार है, लेकिन प्रशासन दोहरा रवैया से जिम्मेदारी है। एससी ओबीसी के लोगों के साथ कई प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, वो भी चरम सीमा पर। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बहुजन समाज के पास अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा, लेकिन प्रशासन क्या है इस समय ध्यान नहीं दे पा रहे। तो मैं चाहूंगा प्रशासन से कि हमारी जितनी भी मांगे हैं और जो हमारे साथियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उन पर ध्यान दें। अत्याचार तो काफी समय से होते आ रहा है, हमारा मतलब ये नहीं है काफी समय से हो रहा है, आज बहुत ज्यादा हो रहा है। हम उनको मुंह तोड़ जवाब तो देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन ही हमारा साथ दे। क्या आश्वासन आपको अभी दिया गया? अभी आश्वासन दिया गया कि जो हमारी मांगे हैं, छह मुख्य मांगे रखी गई है कि दो से आठ दिन में, 10 दिन में हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम ये आशा भी करते हैं कि प्रशासन हमारी मांग को पूरा करें। अगर प्रशासन हमारी मांग को पूरा नहीं करती तो जैसे आज मैं आया हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे, और अगर हमारी मांग बिल्कुल ही पूरा नहीं की तो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आएंगे। लेकिन हम बहुजन समाज की लड़ाई जब तक जिएंगे जब तक लड़ेंगे, उनके हर समय पर हर तरीके से मदद करने का काम करेंगे। इसका निवासी हूँ और शिवपुरी जिले में आता हूँ। आज आपके द्वारा योग सूर्य नमस्कार का समापन किया गया, कितने घंटे आपने सूर्य नमस्कार किया? ये मैंने 58 घंटे किए हैं, इसमें कुल 6150 सूर्य नमस्कार लग चुके हैं, और इसमें एक सूर्य नमस्कार में 12 योग क्रिया होती है, लगभग 73,800 योग क्रियाएं उसमें हो चुकी हैं आपके 4 दिन के अंदर, रात के 12 बजे तक कल तक। कंटिन्यू आपका चला या गैप ले लेके? ये लगभग इसमें 3-3 घंटे का गैप लिया है, शुरू में लगभग 6 साढ़े 5 घंटे, 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे लगभग। आप 1 जनवरी से 4 जनवरी तक नमस्कार कर रहे थे, शासन प्रशासन ने आपको क्या सुविधा दी यहाँ पर? अब शासन की तरफ से आदेश बड़ी मुश्किल से मिला है, और जब मिला पहले तो सब ना कर रहे थे, अब बड़ी मुश्किल से मिला 1 महीने बाद। अब 4 दिन का जो था उसमें 1 से 4 तक हमने -1 डिग्री और डिग्री पे हमने जो किया है वो किया था हमने, और इसके बाद CID की थोड़ी वो मिली, और 1 दिन डॉक्टर चेक करने आए थे, बस एक ही दिन डॉक्टर चेक कर। उन्हें खाने की क्या व्यवस्था रही? मदद की कह नहीं हो, हम तो हनुमान जी महाराज ने जो मदद करवा दी वो ही ठीक है, और जितना आप लोगों ने प्रेम इसने दे दिया शिवपुरी वासियों ने, और आप सब लोगों ने हमारे कॉलर अस्पताल वासी जो भी आ गए हमको यहाँ स्टेज पे, और वो आशीर्वाद जो मिला। कैसी क्या व्यवस्था रही आप? सोने खाने की ये है कि हम बाहर ही सोते थे, और खाने में तो हम सिर्फ 2 रोटी दूध से और दाल और चने की दाल पी रहे थे बस 4 दिन से, क्योंकि बिना उसके नॉर्मली खाना रहता है तो हम नॉर्मली खाना ले रहे थे।